पहले हम बाजार की बातें कर लेते हैं, बाजार की चाल देखते हैं कि आज बाजार की चाल क्या है। तो बाजार ने आज शुरुआती कारोबार में ही नया रिकॉर्ड फिर से बना दिया, लेकिन वहां से अगर आप देखें तो अब बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता दिख रहा है और निफ्टी 25,950 के आसपास ही घूम रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है निफ्टी बैंक 54,100 के आसपास। अब निफ्टी बैंक में मामूली तेजी यहां पर दिख रही है। आज बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो मेटल शेयर जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, नालको का शेयर करीब करीब 5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। उसके अलावा एफएमसीजी शेयरों की पर आज दबाव दिख रहा है, जिसमें एचयूएल, नेस्ले, ये दो दिग्गज शेयर जिस पर आज दबाव है, 1-1% के आसपास की गिरावट इन दोनों शेयरों में दिख रही है। साथ ही रेलवे शेयरों में भी आज कमजोरी है, टेक्स मैको, टीटागढ़ जैसे शेयर्स पर दबाव है, 2-3% तक की कमजोरी इन शेयरों में भी आज के सत्र में दिख रही है। अपने सहयोगी जिनय नागर से जानेंगे कि मिड डे मार्केट का एक्शन किस तरह है। जिनय, सबसे पहले ब्रॉडर इंडाइसेस से शुरुआत करते हैं, बताइए किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है। जी, ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करेंगे तो आज हमें बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी मेटल दिख रहा है, जहाँ पे हमें काफ़ी खरीदारी आते हुए दिख रही है। टॉप 3 स्टॉक्स देखेंगे तो नालको, एनएमडीसी और टाटा स्टील फोकस में रहेगा। और अगर हम पूरे निफ्टी मेटल की पैक करें तो इसका जो की ट्रिगर है वो है चाइना का स्टिमुलस पैकेज, वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं और अपना जो मॉर्गेज रेट्स है हाउसिंग लोन्स के लिए वो भी कम करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेटल स्टॉक्स में हमें आज एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने मिल रहा है। इसी के साथ अगर अब दबाव वाला सेक्टर देखें तो निफ्टी एफएमसीजी में काफ़ी दबाव देखने मिल रहा है। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया और वरुण बेवरेजेस में आज हमें काफ़ी दबाव देखने मिल रहा है। इसी के साथ अगर अभी हम देखें ऑल टाइम हाई स्टॉक्स कौन से हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा इप्का लैब्स, ऑल टाइम हाई स्तर आज छूते हुए दिखा है। एक नोमुरा की तरफ से बाइंग रेटिंग भी आज हमें देखने मिली थी, जहाँ पे उन्होंने 1750 का टारगेट दिया था। उसी के साथ सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज दूसरा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई लेवल पर है, और तीसरा है एम एन एम ने इनका जो न्यूज़ वेरिफिकेशन क्लेरिफिकेशन भी कंपनी ने दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंपनी और वोक्सवैगन ग्रुप एक मल्टीपल एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाने के लिए। इसी के साथ अगर हम वॉल्यूम बजर्स की तरफ देखें कौन से ट्रेड्स में आज हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं, तो उसमें देखेगा हमें टाटा स्टील सेल और पीएनबी की बात करें तो आज उन्होंने 5,000 करोड़ का QIP को भी अप्रूवल दिया है। तो ये 3 स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। शुक्रिया जिनय पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि बाजार में किस तरह का एक्शन है और तमाम स्टॉक्स जहां पर आज या तो वॉल्यूम बजर्स है और जहां 52 वीक हाई या जहां पर दबाव दिख रहा है, तमाम सेक्टर और शेयरों पर आपने पूरी डिटेल्स बता दी। लेकिन चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी अशीषा के पास, क्योंकि आज मेटल शेयरों में अच्छी चमक देखने को मिल रही है, क्या है वजह बता रही हैं अशीषा। बिल्कुल, पॉजिटिव मूव मेटल स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। याद रखें कोविड के बाद से ही चाइनीज इकोनॉमी में रियल एस्टेट डिमांड कंसर्न्स थे, जिसके चलते कई बार चाइनीज गवर्नमेंट ने कई सारे स्टिमुलस मेजर्स लिए हैं। ज़्यादा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं दिखा, लेकिन फिर एक बार चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ स्टिमुलस मेजर्स लिए हैं। एनालिस्ट का मानना है कि सेंटिमेंटल पॉजिटिव तो ये होगा पूरे सेक्टर के लिए, लेकिन इसका रियल इंपैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पर कितना होगा वो तो शायद समय ही बताएगा। तो कई सारे पॉजिटिव मेजर्स उन्होंने लिए हैं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं, मॉर्गेज रेट्स पर भी थोड़ी सी गिरावट दिखी है। इसी के साथ रिपो रेट्स जो पहले 1.7% पे थे वो अब घटाकर 1.5% किए हैं। तो कई सारे मेजर्स जिसके चलते रियल एस्टेट मार्केट और पूरी चाइनीज इकोनॉमी को एक बूस्ट दिखाई दे सकता है। हम ये भी समझ लेते हैं कि चाइनीज मार्केट इंडियन मेटल सेक्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना ही है। कुछ मेटल्स की बात करें तो स्टील का करीब 55-60% कंजम्पशन चाइना में होता है, आयरन ओर का करीब 50-55%, कॉपर, कोल, जिंक सभी कमोडिटीज़ का करीब 35-55% वर्ल्ड कंजम्पशन चाइना में ही होता है, जिसके चलते सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स के प्राइसेस चाइना की डिमांड से निर्भर रहते हैं। इसी के साथ सितंबर 9 के लोस से देखें तो थोड़ी सी रिकवरी सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी दिखी है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 8% की रिकवरी सितंबर 9 से दिखी है। इसी के साथ कॉपर, जिंक, निकल, लेड सभी में करीब 60-9
9% की तेजी पिछले कुछ 15-20 दिनों में दिखी है, लेकिन फिर भी 2024 के हाई से देखें तो अभी भी इंडस्ट्रियल मेटल्स में काफ़ी गिरावट है। तो मई के महीने में इस साल 2024 में और 2024 के हाई सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स ने टच किए थे, लेकिन तभी से देखें तो काफ़ी गिरावट है। तो एल्यूमिनियम में करीब 8% की गिरावट मई के हाई से दिखी है। कॉपर, जिंक, निकल, लेड सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में करीब 5-30% की गिरावट 2024 मई के हाई से दिखी है। बट हाँ, एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, चाइना एक बड़ा मार्केट है इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए, तो जब भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है चाइनीज़ इकोनॉमी के रिलेटेड तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डोमेस्टिक मेटल सेक्टर पर भी दिखाई देता है। ओके, तो चीन के फैसले के दम पर, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक ने दरों में घटाने का जो ऐलान किया है उसके दम पर आज सारा ही मीटर शेयर काफ़ी चल रहा है। शुक्रिया अशय साहब पूरी डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन देखिए आज मीटर शेयर शानदार चमक दिखा रहे हैं। टाटा स्टील, JSPL, वेदांता, सेल जैसे शेयर 3-4% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं।